डायलिसिस क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है डायलिसिस की, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है डायलिसिस की। 3-4 साल अगर आपने डायलिसिस करवा लिया, आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर से लॉन्ग टर्म हम नहीं चला सकते, इस पर पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते। जो लोग अपने आप को डायलिसिस से बचाना चाहते हैं, डायलिसिस नहीं करवाना चाहते, उनको अपनी किडनी का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है डायलिसिस की, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है डायलिसिस की, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जब किसी इंसान की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो जो किडनी का काम होता है, खून को साफ करना, खून को साफ करके जितना वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकालना, ये वाला काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया जैसे वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और जब तक ये बॉडी के अंदर रहेंगे, बॉडी को बीमार करते जाएंगे, बाकी ऑर्गन्स में भी इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, उसका नाम है डायलाइजर और इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। ये मशीन हमारी किडनी की तरह एडवांस नहीं होती, इतनी समझदार नहीं होती कि इसे पता हो कि किस चीज को बाहर करना है, किस चीज को बाहर नहीं करना, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। इसी वजह से जो भी पेशेंट जब डायलिसिस स्टार्ट करवाता है तो आप उस पेशेंट को वीक होता हुआ देखते हो कि पेशेंट वीक होता चला जाता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डायलिसिस करवाते समय आपकी एज होती है वो 3-4 ईयर्स होती है, क्योंकि 3-4 साल अगर आपने डायलिसिस करवा लिया, आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को कभी भी किडनी की वजह से दिक्कत बहुत कम होती है। ऐसे पेशेंट को किडनी खराब हो गई वेस्ट मटेरियल, क्योंकि वो तो मशीन बहुत अच्छी तरीके से निकाल देती है, पेशेंट को जो बॉडी में न्यूट्रिशन था, प्रोटीन था, वो निकल जाने की वजह से कोई ना कोई कार्डियोवास्कुलर दिक्कत हो जाती है, हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये दिक्कत जो होती है डायलिसिस। इसलिए जो लोग डरते हैं डायलिसिस से, उनका डरना गलत नहीं है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर से लॉन्ग टर्म हम नहीं चला सकते, इस पर पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट डायलिसिस को रोकना चाहता है तो डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ी उसको समझना जरूरी है। आपकी बॉडी में आपको डायलिसिस की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही, क्योंकि वो ही आपकी सबसे बेस्ट दोस्त है डायलिसिस करने के लिए, खून को साफ करने के लिए। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते, वो आपका ध्यान नहीं रखती, तो हमने अपनी किडनी का ध्यान रखना होता है। जो लोग अपने आप को डायलिसिस से बचाना चाहते हैं, डायलिसिस नहीं करवाना चाहते, उनको अपनी किडनी का ध्यान रखना जरूरी है। जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे खराब होती है। पेशेंट के लेवल जब शुरू होते हैं तो वो 2 या 3 के आसपास होते हैं जब उसे पता लगता है कि मेरी किडनी खराब होनी शुरू हुई। मेडिसिन खाता रहता है और देखता क्या है कि धीरे धीरे किडनी और खराब होती जा रही है, मगर पेशेंट कभी ये नहीं सोचता कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरे लेवल बढ़ते चले गए। पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी मेडिसिन जो खा रहे हैं ना, उसको एक बार निकाले, उसको एक एक मेडिसिन को गूगल पे जाके सर्च करे कि ये मेडिसिन मैं किस वजह से खा रहा हूँ। आपको, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको हर टाइप की मेडिसिन मिल जाएगी, बीपी की मेडिसिन मिल जाएगी, अगर आपको शुगर है तो शुगर की मेडिसिन मिल जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होगी, कैल्शियम होगा, विटामिन डी होगा, उसमें एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन हो सकते हैं अगर आपके खून में कमी हो रही है तो। मगर कोई भी मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाए, किडनी की परफॉर्मेंस को सुधारे, क्योंकि अगर किडनी की परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, क्रिएटिनिन बाहर हो जाएगा, यूरिया बाहर हो जाएगा, आपको डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्योंकि पेशेंट कोई भी सही किडनी की मेडिसिन नहीं इनटेक कर रहा होता है, इसकी वजह से उसके लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि किडनी अगर फेल हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, कोई ना कोई रीजन जरूर है जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। तो कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अगर अपनी कंडीशन को ठीक करना चाहता है, सुधार कराना चाहता है, तो सबसे पहले काम होता है आइडेंटिफाई करना कि किस वजह से किडनी खराब हो रही है। क्या वो बीपी है, क्या वो शुगर है, क्या वो आपका आईजी नेफ्रोपैथी है, क्या वो पॉलीसिस्टिक किडनी है। आपको पहले उस रीज़न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सबसे पहला काम भी उसी पे करना पड़ेगा कि कम से कम किडनी को और नुकसान ना सहना पड़े, क्योंकि डायलिसिस तो आपको तब करवाना पड़ेगा जब आपके लेवल 7 से प्लस हो जाएंगे, मगर जब तक आपके लेवल 7 से अंडर हैं, कम हैं, तो डायलिसिस को रोकना है, किडनी को बचाना है, तो उसके पीछे जो कारण है, जो किडनी को डैमेज कर रहा है, उसे कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको पेशेंट साइंस संजीवनी में आता है तो कभी भी हम क्रिएटिनिन के पीछे नहीं भागते कि हमें क्रिएटिनिन को घटाना है,
यहाँ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले काम क्या करें, पहले आइडेंटिफाई करें कि किडनी क्यों फेल हो रही है, किस वजह से फेल हो रही है, क्या उसके पीछे रीज़न बीपी है, क्या उसके पीछे शुगर है। अगर आप बीपी और शुगर को कंट्रोल कर लेते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा किडनी को ये होता है कि फर्दर डैमेज नहीं होता, नुकसान आगे नहीं बढ़ता। जो नुकसान हुआ है हुआ है, आगे वो नहीं बढ़ेगा, तो क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़ना बंद कर देते हैं। अब हमें इस्तेमाल करना होता है किडनी की खूबियाँ। जैसे हर ऑर्गन के पास एक खूबी है, आपका जो लीवर है वो पूरा रीजनरेट हो जाता है, ब्रेन को कुछ होता है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से वो अपने आप को हील करता है, किडनी के पास भी कुछ ना कोई खूबी होगी। किडनी के पास खूबी क्या होती है कि वो अपने रीजनरेट तो नहीं कर पाता मगर अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा लेता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ के देखो, अगर कोई इंसान अपनी एक किडनी दूसरे को दे देता है, डोनेट कर देता है, उसके पास सिंगल किडनी हो गई, किडनी का फंक्शन 50% हो गया, क्योंकि एक किडनी तो दे दी, 50% पार्ट ऑफ किडनी तो दे दी, फिल्ट्रेशन यूनिट दे दी, 50% किडनी होने के बाद, फंक्शनिंग होने के बाद भी पेशेंट का किडनी लेवल नहीं बढ़ता, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। अब अपने आप से सवाल करो ऐसा क्यों होता है। जब हमारी किडनी की फंक्शनिंग आधी हो गई तो हमारे किडनी लेवल को बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा इसलिए वजह से नहीं हुआ क्योंकि किडनी अपने अंदर कंपनसेटरी इफेक्ट दिखाती है। कंपनसेटरी मतलब कि जो किडनी के फंक्शन को लॉस हुआ है वो बाकी जो हिस्सा किडनी का सही है वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, वो उसे कंपनसेट करता भी है। हमने किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इसी फंक्शन का यूज़ करना होता है, इसी किडनी की खूबी को इस्तेमाल करना होता है कि जो किडनी आपकी डैमेज हो गई है उसको फिलहाल अभी आप छोड़ दो, जो किडनी आपकी फंक्शन कर रही है उसकी फंक्शनिंग बढ़ाओ, क्योंकि जैसे ही उसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी पहले से बेटर क्रिएटिनिन बाहर जाएगा, पहले से बेटर यूरिया बाहर जाएगा, आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल कम इकट्ठा होगा और आपकी बॉडी में सिम्टम कम आएंगे, ना आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी ना आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद एक बार आपके लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं तो एक छोटा सा काम करना होता है, वो है मेंटेनेंस का। जो मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से जाती रहती है, सही तरीके से ट्रीटमेंट चलता रहता है, पेशेंट सही तरीके से फॉलोअप में बना रहता है, पेशेंट की किडनी लाइफ टाइम उसका साथ देती है, क्योंकि लाइफ टाइम आपने उसका साथ दिया। तो ये एक ऐसा रिलेशन होता है, ये नहीं सिर्फ किडनी के साथ, बॉडी के सारे ऑर्गन के साथ यही हमारा रिलेशन होता है कि आप उसका ध्यान रखो वो आपका ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ हमने हर किडनी फेलियर पेशेंट को समझने जरिए कि अगर आपने किडनी फेलियर को रोकना है, डायलिसिस से बचना है, डायलिसिस को रोकना है, तो आपको अपनी किडनी का ध्यान देना पड़ेगा। किडनी को आप क्या दे रहे हो, क्या मेडिसिन दे रहे हो, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप किडनी फेलियर को रोक पाओगे, उसको रिवर्स कर पाओगे, अपने किडनी लेवल को डाउन कर पाओगे। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, किडनी भी आपका ध्यान नहीं रखेगी। अब मैं चाहता हूं कि आप किडनी फेलियर के कुछ पेशेंट से मिलो और उनको देखो कि उनकी बॉडी में क्या चेंजेस है। लेवल 7 थे वो 5 हो जाते हैं, डायलिसिस जो करवाने के लिए डॉक्टर ने बोला था वो छूट जाता है, रिपोर्ट्स में फटन एकदम चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट के लोअर लेवल्स रहने शुरू होते हैं, बीपी कंट्रोल में आता है, शुगर कंट्रोल में आता है, जो भी रीजन रहा वो कंट्रोल में आ जाता है। आप वीडियोस देखिए। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 में। तो कैसे पता लगेगी आपको किडनी की दिक्कत हो रही है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुझको थी। कितना ब्लड प्रेशर रहता था? ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था सर। कितना? ये तो नियर अबाउट नीचे वाला तो 102 भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, हाँ हाँ। और ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 180 ऐसे पहुँचा था। 180 और 102, यानी कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे, जो मुझे देख रहे थे, इतने ब्लड प्रेशर में जाने के बाद वो घबरा गए, लेकिन मुझको एक्चुअली बॉडी इतनी वो हो चुकी थी तो मुझको इतना वो नहीं पता नहीं लगता ऐसे था। मगर उसका शरीर के अंदर नुकसान चल रहा था। और उसके बाद आपकी और दिक्कत क्या महसूस करते थे उस टाइम में? दिक्कत नहीं, फिर एकदम स्वेलिंग आई थी।
स्वेलिंग पैर में आई थी, पैर में और यहाँ चेहरे पे, चेहरे पे आई थी। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की दिक्कत है तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था, रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने देखा, वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने कराया। किडनी में क्या दिक्कत बताई थी, श्रिंकेज बताई थी, क्या बताया था? वो जो इसमें कोई गैप समथिंग जो भी है वो नसों में गया। राजवीर सिंह की जो किडनी का साइज था वो छोटा होता जा रहा था, वो श्रिंक कर रही थी, वो अपने नॉर्मल साइज से बदल गई थी। और इनको रीनल पैलेनकाइमा डिजीज जो कि अक्सर दिखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो दिक्कत शुरू हो गई। तो जब आप यहाँ आए तो किडनी आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन में। और शुगर कितनी रहती थी? शुगर जो शाम की थी वो नियर अबाउट 260 जो, और ये 260 के आसपास, 260 के पास, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा था तो सुबह की तो कंट्रोल रहती थी। अच्छा, इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे? 18 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद इनकी शुगर 260 थी, रैंडम मान लेते हैं इसको हम, तो इतने हाई लेवल। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है डॉक्टर साहब, फिर भी मुझे थोड़ा सा बाकी सब ऑडियंस को बताओ कि क्या लेवल्स आ गए। मॉर्निंग का जो है जो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ वो नियर अबाउट 78-90 नॉर्मल, 100 से नीचे रहती है, नॉर्मल हो गई, नॉर्मल वो तो बहुत नॉर्मल हो गया। और इसमें आप यूनिट्स कितने ले रहे हो इंसुलिन के? यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ वो 10 ले रहा हूँ, 10 या 12 दस। 18 यूनिट से 10 यूनिट पर आए हैं 3 महीने के अंदर। शुगर जो 260 रहती थी अब वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर रहती है, क्लोज टूवर्ड्स, अब क्या कहते हैं कि कम की तरफ ज्यादा रहती है, इसलिए इनको हर महीने 2 से 4 यूनिट इंसुलिन घटाना पड़ता है कि वो जो लेवल्स हैं वो बने रहें, बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। बीपी का क्या कंडीशन है? बीपी एक्चुअली जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये हुआ, अदरवाइज बीपी मेरा इतना बढ़िया था डॉक्टर साहब कि ये 70 और 120-130 यहाँ तक ही रहता था। अब जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये तब से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, अदरवाइज बहुत कंट्रोल था। तो ना सिर्फ KFR की ट्रीटमेंट ने इनकी शुगर लेवल को मेंटेन किया, इनकी बीपी को भी कंट्रोल किया, बहुत बढ़िया था। 69-121 आप लगा लिया अंदाजा। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किडनी की दिक्कत को जीतना चाहते हो, किडनी फेलियर से मुक्त होना चाहते हो, तो हमेशा उसकी जड़ में, उसके कारण में जाके वर्क करो कि जिसने आपकी किडनी खराब की पहले तो उसको बाहर निकालो। तो अब राजवीर सिंह जी की कंडीशन के अंदर दिक्कत दोनों थी, डायबिटीज़ भी थी और इनको दिक्कत बीपी की भी थी, मगर जहाँ तक हमें लगा जो हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया वो किया कि बीपी को दिक्कत ज़्यादा मेन लेकर कि बीपी की वजह से किडनी में श्रिंकेज देखी जाती है। तो किडनी की श्रिंकेज की वजह से हमने इनका जो ट्रीटमेंट रखा वो बीपी माइंड में रखा कि पहले बीपी को मेंटेन करो, बीपी मेंटेन हो जाएगा तो कम से कम इतना हो जाएगा कि किडनी को आने वाले दिनों में बीपी से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद हो गया, आगे की जो दिक्कत है वो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड थी वो बंद हो गई, अब वहां से शुरुआत होती है ठीक होने की। अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर यूरिया पहले 3 महीने पहले क्या था? वो तो बहुत ज्यादा 3 महीने पहले तो बहुत ज्यादा था, आप उसका देखोगे तो वो तो दोस्त पता नहीं, देख के बताओ कितना है, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। यूरिया था 147, इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भूख होती है खत्म हो जाती है। ये जो कंडीशन के अंदर पेशेंट को नोजिया आना शुरू हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख खत्म हो जाती है और पेशेंट अपना रेगुलर वेट लॉस कर रहा होता है दो रीज़न से, एक तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है उस वजह से शरीर में से प्रोटीन बाहर चला जाता है, और दूसरा कि जो आपकी भूख है वो खत्म हो जाने की वजह से आप खाने का इंटेक कम कर देते हो और लेवल्स आपके बिगड़ने शुरू होते हैं। ये 151 मैक्सिमम जो इनका गया हुआ है 151। अब क्या कंडीशन है 3 महीने के ट्रीटमेंट के? अब तो बहुत बढ़िया सर, भूख तो बहुत तेज लगती है, भूख तेज। यूरिया का लेवल क्या है? यूरिया का अभी मैं लास्ट आपने उसमें देखा है, अभी तो मोबाइल में, आपने उसमें मोबाइल में देखा था, जहाँ तक है मेरे 50-60 के पास है। बहुत ज़्यादा, बहुत कम। अब जो लेवल है इनका है 57, 57 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के बहुत पास है। जब आपके लेवल इतने डाउन हो जाते हैं तो आप ये समझिए ये डाउन क्यों हुए, किस वजह से हुए। यूरिया जो है वो लीवर बनाता है, लीवर बनाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ देता है, किडनी उसको शरीर से बाहर करती है। ये एक नाइट्रोजनस फेस मटेरियल है जिसे बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए, अगर ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो ये अलग टाइप के दिक्कतें पैदा करता है, जैसे भूख ना लगना, मुँह से स्मेल आना, फिश जैसी स्मेल आना। तो जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट
फास्ट हुई, किडनी ने जो खून को साफ करना ज़्यादा शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरिया जो पहले आपका 150 से प्लस था वो डाउन होते होते ही अब नॉर्मल के पास आ चुका है, भूख खुल चुकी है बॉडी में, अब आपको क्या क्या बदलाव नजर आते हैं बॉडी में? मतलब मेरे को वैसे कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल महसूस। अगर मैं हूँ तो अगर मैं मतलब पहली बार तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, बीमार तो हूँ। अगर मैं इसका कैटलाइन को देखता हूँ तो लगता है बीमार हूँ, अदरवाइज बॉडी को ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, मेरे को बॉडी जो पहले से कमजोर हो गया हूँ तो दूसरा कहेगा कमजोर, अदरवाइज किसको पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। चलिए, इवन घर वाले मुझे ऐसे महसूस नहीं, मतलब जो काम बताते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि बीमार है। तो अब हम चलो अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन की, क्योंकि सबको क्रिएटिनिन से बहुत डर लगता है। बीपी के पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का फॉल धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केसेस के अंदर ये एक दो महीने के अंदर नॉर्मल लेवल्स के अंदर आ जाता है, मगर जो भी पेशेंट बीपी का होता है, जिनके अंदर किडनी फेलियर बीपी की वजह से हो रही होती है, उनके अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं आते। यूरिया तेज़ी से नीचे आ गया बट क्रिएटिनिन के लेवल कंपैरेटिवली हाई बने हुए। तो राजवीर सिंह जी, आपका जो क्रिएटिनिन था वो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या था? वो 9.5 था। 9.5, और 9.5 से अब कितना हो गया? अब 8 पे आ गया। 3 महीने के अंदर है जो हमने क्रिएटिनिन का जो फॉल देखा वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 1.5 का है, मगर ये 1.5 बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, यूरिया भी डाउन हुआ। बॉडी में जितने सिम्टम थे सारे डिसअपीयर हो गए, कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पोटेशियम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। इन्होंने आज तक एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं आ रही, बीपी मेंटेन हो गया, शुगर मेंटेन हो गया, यूरिया कंट्रोल हो गया, क्रिएटिनिन आने वाले 2-4 महीने में हम इनका पूरी तरह से कंट्रोल कर देंगे। तो राजवीर सिंह जी, आपने खाने पीने में क्या बदलाव किया? खाने में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कंट्रोल, आप सबको बता दो, सारे पेशेंट देख रहे हैं। खाने में मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है बॉइल्ड सब्जियाँ, ओनली बॉइल्ड सब्जियाँ, वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है। सुबह में उठ के शुगर चेक करके एप्पल खाता हूँ, खाली पेट जो खाता हूँ, उसके बाद घूमना, अपना रूटीन करना, सब कुछ ऐसे करके घूम घाम के आना, फिर ये बॉयल्ड सब्जी खाता हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अच्छा, और फिर उसके बाद 12 बजे करीब मैं फिर एक एप्पल खाता हूँ। एप्पल ज़्यादा खा रहे हो आप? नहीं तो 2 एप्पल खाता हूँ डॉक्टर साहब। कंट्रोल कर दो उसको, या तो पेशेंट हम बात तो कर रहे थे। अच्छा, एक मैं खाता हूँ। अच्छा, 2 खाता, फायदा हो गया, 2 खाता हूँ वीडियो बनाने का, 2 खाता हूँ और बाकी दोपहर को लंच करता हूँ और शाम को डिनर। लंच में क्या लेते हो? लंच में वही सब्जी कोई भी जो आपने बताई है, हाँ। जो आपके उसमें है उन वही सब्जियाँ और रोटी, दैट्स ऑल, और शाम को बाकी एवरीथिंग सब कुछ बंद। तो राजवीर सिंह जी की एक गलती तो हमने पकड़ ली कि दिन में 2 बार एप्पल खा रहे हैं, जबकि खाने के लिए हमने दिए में है 1। तो कोई बात नहीं, गलती हमने चाहे वीडियो से पकड़ी, जैसे मुझे पकड़ी, बट वो पकड़ी गई। तो अगली बार से हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी अपने एप्पल को 2 से 1 कर देंगे। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो डाइट हम बताते हैं साइंस इंजीनियरिंग में, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, आपकी यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका वजन कितना है, आपके शरीर पे मसल्स है या नहीं है, वेस्टिंग तो नहीं हो रही, कमजोरी ज़्यादा तो नहीं हो रही, हीमोग्लोबिन क्या है, पोटेशियम क्या है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर तब जाकर एक पेशेंट को सही तरीके से डाइट बताई जाती है, जिससे वो अपनी किडनी की कंडीशन को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप 2 तरीके से अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। 1, आप उसकी एक्सक्रीशन सही तरीके से करते रहो, यानी आपकी किडनी और आपका लीवर सही तरीके से काम करता रहे, आपकी बॉडी में किसी टाइप का भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा नहीं होता। दूसरा तरीका आप और कर सकते हो, जो हर एक ऐसे पेशेंट को करना चाहिए जहाँ पर ये लीवर और किडनी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो है अपने खाने पीने में बदलाव। क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ जा रही है वो आपके खाने से जा रही होती है। आप अगर खाने पीने को आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको मैनेज कर अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कर पाते हो, तभी किडनी के पेशेंट के लिए जो डाइट होती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। पेशेंट को अगर हम बोल रहे हैं कि आप प्रोटीन खाओ तो रीज़न से है, अगर कहते हैं कि प्रोटीन मत खाओ उसके पीछे भी एक रीज़न है, तो उस रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी पेशेंट डॉक्टर का साथ दे पाता है, सही तरीके से फॉलो कर पाता है और बदलाव आ पाते हैं। तो राजवीर सिंह जी, तो अब 3 महीने के इलाज के बाद बाकी किडनी पेशेंट के लिए आपको संदेश? मैं तो संदेश ये दूंगा, क्योंकि जब 3 महीने के बाद लगातार आ रहा हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो औरों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर साहब से मिलो और यहाँ का फ़ायदा उठाओ।
मैं तो यही कहूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी आने वाले 3-4 महीने के अंदर जो उनका किडनी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको हम नॉर्मल लेते हुए कंट्रोल में लाते हुए इनका बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। यूरिया इनका नॉर्मल हो चुका है ऑलरेडी, शुगर इनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, बीपी सारा कंट्रोल में हो गया। तो ये एक KFRT ट्रीटमेंट की मदद से उसकी सफलता का एक और प्रदर्शन आप सर कह सकते हो, ये एक हमारी सर्टिफिकेट कह सकते हो, ये कि हमारा आप अवार्ड कह सकते हो कि ऐसी सफलताएं हमें मिलती रहती हैं और ऐसे हम रिकॉर्ड्स करते रहते हैं कि हर एक सफलता आप तक ला पाए। क्योंकि किडनी को लेके, किडनी की डायलिसिस को लेके लोग आपको जगह जगह भ्रमित कर देते हैं, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, उसमें पेशेंट ही फंसता है, उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता जो उसके लिए सही है। कोई कहेगा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहता है आप ट्रांसप्लांट करवा लो, ट्रांसप्लांट का जो रास्ता होता है वो हमेशा ओपन होता है, डायलिसिस का रास्ता हमेशा ओपन होता है, वो आप कभी भी जाकर करवा सकते हैं। मगर उससे पहले अगर हम आपकी खुद की डायलिसिस मशीन को ठीक कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है उसके अंदर, क्यों जरूरत पड़ेगी आपको बाहर की डायलिसिस की मशीन जब आपकी खुद की किडनी काम कर सकती है, खुद की डायलिसिस मशीन काम कर सकती है। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि डायलिसिस का ऑप्शन हमेशा ओपन है, डायलिसिस के साथ साथ ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है, आप किसी भी कंडीशन में जाकर करवा सकते हो। मगर किडनी की दिक्कत आपकी शुरुआती है, अभी शुरू हुई है, किडनी यूरिन बना रही है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, आपको यूरिन का आउटपुट ठीक ठाक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायलिसिस मशीन काम कर रही है, पूरे तरीके से काम नहीं कर रही, काम करना उसने छोड़ा नहीं है, कम किया है। तो उस कम काम को बढ़ाते हुए हम इतना सुधार देंगे कि आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजवीर सिंह जी का। तो आपने खुद देखा कि साइंस इंजीनियरिंग ने जो इतने सालों से मेहनत की, इतने सालों से जो रिसर्च वर्क किया, इतना पेशेंट्स को देखा, हर बार जब पेशेंट आता है तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर इवॉल्व कर जाता है, बदल जाता है, वो अपने अंदर वो चीज़ को रख लेता है कि इस पेशेंट को करने से ये हुआ। तो ये जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होती है साइंस इंजीनियरिंग की, आज इस स्टेट पे, इस स्टेज पे पहुंच गई है कि किडनी फेल का कोई भी पेशेंट होता है जिसको लगता है कि उसका किडनी फेल, डायलिसिस नहीं करवाना, उसको किडनी फेल होने से अपनी किडनी को रोकना है, वहाँ पर साइंस इंजीनियरिंग आज की डेट में विद एविडेंस काम कर रहा है, वो चीज़ें सबके सामने विजिबल होती हैं। तो आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर से वाले डाइट के बारे में, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कई धन्यवाद।